एवरीवन, दिस इज प्रतिभा, वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी पीजीटी के रिजल्ट आना शुरू हो गए हैं और जल्दी ही टीजीटी के भी अगले हफ्ते से आना शुरू हो जाएंगे। इसी बीच आप सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है। पहली न्यूज़ तो ये है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जोड़ने को लेकर जो भी कन्फ्यूजन अभ्यर्थियों के मन में था, उसको दूर करने हेतु कई सारी अपडेट आई हैं, जिसमें यह सुनने को मिला है कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को इस भर्ती में जुड़ना तय है। हालांकि अभी एग्जैक्ट संख्या तो हम नहीं बता सकते क्योंकि अभी वो आयोग की तरफ से जारी नहीं की गई है, लेकिन 1200 पहले ये संख्या आई थी, लेकिन अब जब से अध्याचन लिया गया तदर्थ शिक्षकों से दोबारा, तो सुनने में मिल रहा है कि 2 से 3 हज़ार तक के जो पद हैं वो इस भर्ती में जुड़ सकते हैं। एग्जैक्ट संख्या ये नहीं है, एग्जैक्ट तो जब जोड़ी जाएंगी तभी पता चलेंगी, लेकिन जुड़ना तय है तो ये आप मानकर चलिए। तो जितने भी अभ्यर्थी एक या दो क्वेश्चन से या 5 क्वेश्चन से रुक रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर चांस कहीं ना कहीं बन जाता है अगर 2000 तक सीटें जुड़ जाती हैं। अब अगर हम बात करें पीजीटी के छात्रों के लिए, जो गुड न्यूज़ निकल कर आ रही है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि ज़्यादातर जो पीजी के छात्र हैं उनका बीएड नहीं कंप्लीट है, जिसके चलते वो आने वाली प्राथमिक शिक्षक भर्ती को तो नहीं भर सकते, लेकिन उनके लिए एक सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी खड़ी है, एलटी ग्रेड की वैकेंसी। बहुत सारे अभ्यर्थी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इसका नोटिफिकेशन आ रहा है, अभी तक नहीं आया, लेकिन आप यकीन मानिए कि अब सरकार काफ़ी फुर्ती में काम कर रही है क्योंकि चुनावी माहौल है और अब एलटी ग्रेड का जो विज्ञापन है वो अक्टूबर में आना तय है। मैं आपसे बार बार यही बात इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि आप विज्ञापन का इंतजार ना करें, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, अदरवाइज आपको विज्ञापन के जारी होने में और एग्जाम के बीच में ज़्यादा समय नहीं मिलेगा और यूपी पीजीटी और टीजीटी से कई गुना ज़्यादा एलटी ग्रेड का लेवल होता है, इसीलिए आपको उसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करेंगे कि मैम आप फिर से वही घिसी पिटी न्यूज़ देती हैं, लेकिन ये न्यूज़ इसलिए देती हूं मैं क्योंकि आपको समझ में आए कि आपके जो सफलता की घड़ी है वो काफी पास आ चुकी है। अगर इस समय आप चूक गए तो शायद आने वाले सालों में इतने अच्छे मौके आपको ना मिले। उसके अलावा जितने भी छात्र टीजीटी के हैं और उन्होंने बीएड किया हुआ है, तो अब उनके सामने टेट तो आ ही गया है, यूपी टेट इसका एक प्रमाण है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आना तय है। 28 नवंबर में उसका एग्जाम है और दिसंबर में उसका रिजल्ट जारी हो जाना है। सीटेट भी अगर आप क्लियर कर लेंगे तो भी आपको दिसंबर में उसका रिजल्ट या जनवरी में उसका रिजल्ट मिल जाना है। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आपका टेट नहीं क्वालिफाई है तो आप सीटेट और यूपीटेट दोनों के लिए एग्जाम दें, दोनों में से एक भी क्वालिफाई कर लेंगे तो आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और 70,000 से ज़्यादा पद मायने रखते हैं। अगर आप थोड़ी भी बेहतर तैयारी कर लो और आपका एकेडमिक मेरिट अच्छा हो, तो आप यकीन मानिए कि आपको नौकरी लेने से कोई भी रोक नहीं पाएगा। उसके अलावा केवीएस की वैकेंसी आने वाली है, केवीएस की पीजीटी और टीजीटी की भी वैकेंसी निकलने वाली है, तो ये पीजीटी और टीजीटी दोनों के ही छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप अपना एक लक्ष्य डिसाइड कर लो और उसके अकॉर्डिंग तैयारी शुरू कर दें। ये गुड न्यूज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी का पल तभी बनेंगी जब आप इसके मेहनत करना अभी से शुरू कर देंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी ऑथेंटिक और सटीक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। नमस्कार, बिलीव टू लर्न।